आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव विशेष। हर चुनाव में कुछ नए शब्द चल पड़ते हैं। पाटीदार शब्द गुजरात चुनाव की देन है, हर कोई अब इसको जानता है। बीजेपी और कांग्रेस ने पाटीदारों को केंद्र में रखकर अपनी रणनीतियां बनाई हैं। जिस जिले से पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई, उस महसाणा का माहौल देखा संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने। विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मैं इस वक्त गुजरात में एक ऐसी जगह पर हूं जिसने गुजरात की सियासी तस्वीर बदल कर रख दी। मैं हूं महसाणा में, जहां पर जुलाई 2015 में पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी घर है और यहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी है गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 65 किलोमीटर दूर घंटे भर के फासले पर है महसाणा। उत्तरी गुजरात का यह शहर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। 14 दिसंबर को होने वाली वोटिंग के लिए दो बड़े पाटीदार नेता बीजेपी के नितिन पटेल और कांग्रेस के जीवाभाई पटेल पूरा जोर लगा रहे हैं। गुजरात के पाटीदार आंदोलन को अगर एक भूकंप कहा जाए तो उस भूकंप का केंद्र विसनगर में ये जगह थी। ये आप जो यहाँ पर ग्रिल देख रहे हैं लगी हुई इस ऑफिस के बाहर, दरअसल ये बीजेपी के यहाँ के विधायक ऋषिकेश पटेल का यहाँ पर दफ्तर था और 23 जुलाई 2015 को पाटीदारों का एक समूह यहाँ पर उन्हें ज्ञापन देने आया था और जब वे यहाँ पर नहीं मिले तो इसके बाद यहाँ जमा हुई भीड़ हिंसक हो गई और यहाँ से जो हिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई उसने पूरी गुजरात को अपनी चपेट में ले लिया और पाटीदार ये शब्द गुजरात की सियासी डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। महसाणा के विसनगर से शुरू हुआ पाटीदार आरक्षण का हिंसक आंदोलन गुजरात के कई शहरों में फैल गया था। आंदोलन में 12 लोग मारे गए, 27 घायल हुए, 203 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहनों को जला दिया गया। इन हिंसक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने 650 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कईयों पर हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराएं लगाई गईं। महसाणा से शुरू हुए हिंसक आंदोलन के 2.5 साल बाद महसाणा के पाटीदारों के मन में क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। पाटीदार मूड को तो क्लियर कट है, भाजपा को पार्ट देना है तो पार्ट देना है। बीजेपी वालों ने केस गलत केस किया, वो तो गवर्नमेंट भी मानती है। बाद में जब इलेक्शन आता है तो 15-20 दिन पहले बोलते हैं हम आपके केस वापस खींच लेते हैं। और जो घर में जाके माँ बहन बेटियों को गालियां दी उसका क्या? आज भी खेडूत अपना माल बिक रहा है, किसी को ये 100 रुपया बोनस नहीं मिल रहा है। कृषि बीमा फर्जियात किया, 50% किसान भरे और 50% गवर्नमेंट। ये उत्तर गुजरात में आज तक जो भी किसान ने बीमा लिया है उसमें कभी कोई बीमा नहीं मिला। महसाणा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 7 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 2002 में बीजेपी ने 5 पर जीत हासिल की थी। हिंदू बहुल इस क्षेत्र में 28% वोटर पाटीदार हैं। हार्दिक और समर्थक कांग्रेस के पक्ष में दाव लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी नाराजगी को खत्म करने की कोशिशों में जुटी है। इसके लिए पाटीदारों को कहा गया है कि जिन युवाओं के खिलाफ हिंसा करने पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। पाटीदारों के कल्याण के लिए पाटीदार आयोग बनाया जाएगा। पाटीदार छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। पुलिस फायरिंग में मारे गए युवाओं के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। सरकार आरक्षण तो नहीं दे सकती, लेकिन कॉपरेटिव सेक्टर में पाटीदार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के तुलना में पाटीदार उम्मीदवारों को टिकट भी ज्यादा दिए। कांग्रेस ने 47 पाटीदारों को टिकट दिया तो बीजेपी ने 52। पाटीदार आंदोलन की जनस्थली महसाणा में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता महसाणा में आकर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं ले रहे हैं। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जनसभा चल रही है। यहां पर आपको लोगों की भीड़ तो नजर आएगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोटों में भी तब्दील हो पाएगी। बीजेपी ने महसाणा में स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो मजबूत MLAs है या ग्राउंड लेवल पे मजबूत लोग हैं उनको हर सीट पे खड़ा किया है, जिनकी कनेक्टिविटी है गांव में, तो पाटीदार के जो वार्ड्स हैं उसमें इससे डिवीजन होगा। तो अगर काउंटर पोलराइजेशन में और कम्युनिटीज बीजेपी को वोट दें
तो बीजेपी मेहसाणा में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मेहसाणा के जिला मुख्यालय की सीट से चुनाव लड़ रहे उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल खुद एक पाटीदार हैं। उन्हीं पर जिम्मेदारी है पाटीदारों को मनाने की। मेहसाणा का किला बहुत मजबूत है, सालों से मजबूत है और आने वाले सालों तक मजबूत रहेगा। वहीं कांग्रेस ने नितिन पटेल के खिलाफ पूर्व सांसद और पाटीदार नेता जीवा भाई पटेल को उतारा है। तो हमारा मुद्दा एक ही है, आज ग्रामीण विस्तार में और मेहसाणा जैसे शहर में भी आज विकास कुछ हुआ नहीं है। किसानों का जो देवा है वो माफ करेंगे, बेरोजगार है इसको भी हम रोजगारी देने के लिए, कोई भी 12वां पास होगा तो उसको हम 3000 रुपये देने वाले हैं। हम जानने निकले कि पीएम के अपने गृह नगर में किसका पलड़ा भारी है। यहाँ रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय करने वाले इन शख्स के मुताबिक वडनगर के निवासी बीजेपी के खिलाफ वोट देकर मोदी का दिल नहीं तोड़ेंगे। तो हमारा नेटिव है, गुजरात के सीएम अब पीएम का नेटिव है, इसलिए माहौल भी नेटिव जैसा ही है, पीएम जैसा ही माहौल है अभी तो। मतलब बीजेपी का पलड़ा भारी देख रहे हैं आप यहाँ? बीजेपी है तो सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, गुजरात के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे नेटिव के लिए अच्छा है। उल्टा कांग्रेस का भारी लगता है, ठीक है, और भाजपा का भी है, बाद में एंड में पता चलेगा। 18 दिसंबर को चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हैं, लेकिन मेहसाणा का मूड देखकर यही लगता है कि बीजेपी के लिए अपना किला बचाना आसान नहीं। दूसरी ओर पाटीदार वोट मिलने की उम्मीद से कांग्रेस के हौसले बढ़े हुए हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मेहसाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 4 रैलियां की। उन्होंने वादे किए और विकास के काम गिनाए। वहां मौजूद लोगों पर रैली का क्या असर हुआ, ये जानने की कोशिश की संवाददाता विकास भदौरिया ने। काली शर्ट पहने इस युवा का नाम है हार्दिक पटेल, निवासी कलोल गांधीनगर। 25 साल के हार्दिक सीए की इंटर्नशिप कर रहे हैं। इन हार्दिक के तेवर भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की तरह दिखे हैं। कड़वा समाज का ये हार्दिक पटेल आरक्षण तो चाहता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर पटेल के लिए। हार्दिक कहते हैं पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल गलत मांग रहे हैं। आरक्षण चाहिए, सबको चाहिए, जिसको जरूरत उसको चाहिए, पर इनकम जिसकी बिलो है उसको मिलना चाहिए, मतलब न्याय 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 के तरफ से मिलना चाहिए। मैं तो बीजेपी को देता हूँ और रहेगा ही, वो उसको ही दूंगा। तो आप कड़वा पटेल हो कि लेवा पटेल हो? कड़वा। और हार्दिक पटेल कौन से पटेल? मेरे को क्या पता, मैं उसके बात में इंटरेस्ट रखता ही नहीं हूँ कुछ भी। हाँ, कलोल में मोदी की रैली में टकटकी लगाकर भाषण सुन रहे बुजुर्ग सोम भाई पेशे से किसान। कलोल कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गांव से मोदी को सुनने आए हैं। कहते हैं फसल का दाम ठीक मिल रहा है, राहुल गांधी केवल भाषण देकर किसानों को भड़का रहे हैं। हमारी सरकार सही है, भाजपा मोदी साहब सही है, हमको कोई नहीं चाहिए इंडिया के अंदर ऐसा कि लड़ सके उसको पाकिस्तान चीन, लड़ सकेगा कोई, एक ही है। मोदी को नीच कहने वाले मणिशंकर अय्यर से भी सोम भाई खासे खफा हैं। कलोल की रैली में जबरदस्त भीड़ जुटी, कई लोग आसपास के मकानों की छत पर चढ़े देखे। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी ऐसे ही मकान की छत पर पहुंचे तो कलोल के कपड़ा व्यापारी नरेश लाल छुगानी से मुलाकात हुई। जीएसटी पर बात करने पर नरेश ने कहा जो लोग पहले से टैक्स देते आए हैं उन्हें जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जिसको भरना है उसके लिए कोई फर्क नहीं है, जिसको नहीं भरना है उसके लिए फर्क है। मोदी की रैली में महिलाएं भी खूब आई थी, कुछ लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। ऐसा ही एक परिवार टेंट व्यापारी भारत भाई पटेल का था, वो अपने बेटे की बहू, अपने भाई की पत्नी और बच्चों को लेकर रैली में आए, उन्हें जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, सब गलत बात है, छोटे व्यापारी पहले 2% टैक्स भरते थे, जितना बकरा होते थे उसका 2% भरना पड़ता था, लेकिन अभी तो 20 लाख पर हो गया, बरोबर। तो 20 लाख तो छोटे व्यापारी का होता है, 20 लाख तो 15 लाख 18 लाख होता है, तो 2% भरने का था, वो भी कम होगा भरने का। अस्मिता बेन पटेल मोदी के गांव वडनगर की रहने वाली हैं, कलोल में बसी हैं। अपनी 3 सहेलियों के साथ ये मोदी को सुनने पहुंची। इनके पति एक कंपनी में नौकरी करते हैं। अस्मिता बेन कहती हैं कि विकास और सुरक्षा उनके लिए बड़ा मुद्दा है। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो बोलते हैं तो
अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं तो अच्छा लगने के लिए राहुल गांधी भी अच्छा लगता नहीं है। पहले से ही नहीं अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो मेरे गांव का है। मोदी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ मोदी की जबरदस्त फैन है। मोदी की कामकाज के तरीके और विकास का मुद्दा उनके लिए सबसे ऊपर है। हालांकि कलोल सीट पिछली बार कांग्रेस ने 300 वोटों के कम अंतर से जीती थी, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार ये सीट उनके हाथ में आएगी। गांधीनगर के कलोल से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में हैं। आज उन्होंने 5 जनसभाएं की। उनकी रैली में आए लोगों का मूड जाना संवाददाता पंकज झा ने। नीच वाले बयान के लिए मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस से निलंबित करने के बाद राहुल गांधी की पहली जनसभा गुजरात के छोटा उदयपुर में हुई। ये आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ के अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं। राहुल की सभा में ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जो ये मानते हैं कि आदिवासी किसानों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। आदिवासी के मुंड के आदिवासी देवा में डूब गया है। वो कपास का भाव कांग्रेस की सरकार था वो 1500 रुपया दिया था, अभी 800 रुपया मिलेगा। अभी डिफ्लेस होता है ना, तो अभी वो खेडूत क्या करेगा। इस इलाके के लोग कपास, तेल और दाल की खेती करते हैं। गुलाम भाई कपास और मक्का के व्यापारी हैं। उनका पूरा परिवार राहुल गांधी का भाषण सुनने गया। कहते हैं कि जीएसटी की मार ने उनके जैसों को बेहाल कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी और जीएसटी, बहुत परेशान हुई है आम आदमी। यहाँ जीएसटी से व्यापारी परेशान है तो फसल की कम कीमत से किसान परेशान है। इन परेशानियों के बीच इन लोगों को प्रधानमंत्री को नीच कहने वाला बयान कोई मुद्दा नहीं लगता। नीच बोलते हैं ना, और उसमें क्या है, किसी को वो कार्य से कोई नीच होते हैं, कोई जातिवाद से कोई नीच नहीं होते हैं। जो भी आपने भी गलत कार्य किया, आप नीच विचार होगा, सब होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है इस बार। 2013 में वडोदरा से अलग होकर छोटा उदयपुर नया जिला बना था। उसके पहले के चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले आदिवासी युवा राजेश कहते हैं कि बीते 4 सालों में न इलाके की तस्वीर बदली है न तकदीर। पहली बार हमने बीजेपी के लिए बहुत सारी मेहनत की और हमने इसी के पास हमारे बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमारे लिए कुछ आदिवासियों के लिए एक लोग करेंगे, लेकिन जो हमारा आदिवासियों के लिए जो ग्रांट मिल रही है वो भी उन लोगों ने गैर रोज से किसी और काम से रोक रहे हैं। गुजरात में विधानसभा की 27 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। इनमें से 12 पर कांग्रेस का कब्जा है। आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर में लोग अब पूरे गुजरात में बदलाव की बात कर रहे हैं। जो मन की बात बोल रहा है कि गुजरात के लोगों की जो मन की बात है वो हम सुनेंगे और काम करेंगे। चेंज तो आएगा, चेंज चाहिए। कौन सा चेंज? बस पॉलिटिकली चेंज चाहिए। 20 साल से भाजपा राज कर रही थी तो अब कांग्रेस चाहिए। राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से इसी तरीके से बस और ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे थे। हम भी उनके साथ हो लिए, उनके मन की और दिल की बात भी जानी, और उस जानकारी में ये पता चला कि इस पूरे इलाके में जो आदिवासियों के बहुल इलाका है वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसानों की कर्ज माफ़ी का, और राहुल गांधी का ये वायदा यहाँ के किसानों और आदिवासियों के दिल को छू गया है, और ये सब लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आओ छे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, छोटा उदय सिंहपुर, गुजरात। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।